हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेज लेसन एफ ये लेसन 65 एंड टॉपिक नेम इज यू नो ऑनलाइन सर्च एंड वी कैन से इंडिपेंडेंट रिसर्च। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूडेज टॉपिक एवरीबॉडी। सो व्हाट यू हैव टू डू इट देयर, द ऑब्जेक्टिव इज यू आर गोइंग टू सर्च गुड क्वेश्चन। ओके, सो देन फर्स्ट थिंग your first tutor is give you a hypothetical situation. Okay, like he will say that everybody imagine the world without internet access for a day. मतलब कि इमेजिन करिए कि जब अगर ऐसा डे हो जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस ना करें, हाउ डू यू फाइंड इंफॉर्मेशन, कैसे आप इंफॉर्मेशन पाओगे। टॉपिक यू आर क्यूरियस एंड सॉल्व विदाउट द इंटरनेट, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको सॉल्व करना होगा। दर इंटरनेट कैसे सॉल्व करोगे, देन यू आर गोइंग टू कम डिस्कस। देन ही विल से दैट एवरीबॉडी नाउ लेट्स ओपन योर SRV। ओके, लेसन 65। सो पेज विल बी लुक लाइक दिस। ओके, इस तरीके से पेज खुलेगा। देन आपको बोला जाएगा कि एवरीबॉडी लेट्स डिस्कस विथ योर पार्टनर। ओके, देन यू हैव टू शेयर द आंसर। सो आप बोलोगे कि फर्स्ट रीड द सर्च टर्म बिलो, इसमें आपको बताना कौन सा जो ज़्यादा बेस्ट सर्च करने का जो तरीका होगा। तो पहले की अगर बात करें तो प्लम्बिंग। ओके, सो प्लम्बिंग एवरीबॉडी, सो फर्स्ट जो है ये थोड़ा सा इट इज़ ब्रॉड, अगर इसको सर्च करेंगे तो ब्रॉड आंसर मिलेगा और ये हमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा, मे बी यूजफुल हो या मे बी नॉट। तो हमें ये मे बी ये हमारे लिए सही हो या नहीं हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, है ना। सेकेंड में क्या होगा एवरीबॉडी, सेकेंड में अगर हम सर्च करते हैं तो सेकेंड इट इज़ वेरी यू नो क्लियर, इट इज़ आपको देख सकते हैं इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप जो सर्च करोगे वट इज़ डिफिकल्टी वर्क फॉर प्लमर, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर मिलेगा। सेकेंड में भी, थर्ड में भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थर्ड वाला जो है मे बी आपके लिए जो है एग्जिस्ट करे या नॉट करे, लेकिन सेकेंड वाला जो है आप क्या पूछना चाहते हैं उसके लिए जो है आपको उसी का आंसर मिलेगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, आप किस तरीके से सर्च कर रहे हो, इट मे बी यूजफुल, वेरी समटाइम्स आपके लिए यूजफुल होगा, ब्रॉड होगा, बट आपको सीखना होगा कौन से क्वेश्चन और कहाँ पर पूछने चाहिए, ठीक। देन एवरीबॉडी योर फैसिलिटेटर इज गोइंग टू से एवरीबॉडी लेट्स चूज थ्री टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न अबाउट करियर, सो यू मे रिसर्च टुडे अबाउट करियर, या स्किल अगर आप स्किल सर्च करने जाते हैं या न्यूज इवेंट आप सर्च करने जाते हैं, यू मे सर्च। सो दिस टॉपिक इज गिविंग एंड यू आर गोइंग टू सर्च ऑन एंड यू आर गोइंग टू कम्प्लीट पार्ट बी एज वेल, राइट योर ओन रिसर्च क्वेश्चन। आप इस टॉपिक जैसे आपने लिखा है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहता हूँ, तो आप उस पर जो है कौन सा क्वेश्चन आप बनाओगे और जो कौन सा क्वेश्चन सर्च करके, देन यू आर गोइंग टू सर्च इट, यू आर गोइंग टू मेक इट माइंड मैप, जो भी आप सर्च करें उसका माइंड मैप बनाओगे, देन यू आर गोइंग टू कम्प्लीट पार्ट डी। ओके एवरीबॉडी, सो पार्ट डी इज लाइक यू आर गोइंग टू मेक, यू गोइंग टू समराइज हियर व्हाट यू गेट देयर। ओके, देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन ड्यूलिंगो प्रैक्टिस, you know, energizer, then you are going to discuss, you know, लोग क्या कहेंगे, टॉपिक का क्या नाम है, लोग क्या कहेंगे टू, लोग क्या कहेंगे टू में आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट व्हाट यू एक्सपीरियंस, हमने लोग क्या कहेंगे हमने डिस्कस किया था, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड इन दिस दो सिचुएशन, आप इस सिचुएशन कैसे रिस्पॉन्स किए, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, वॉज यू रिस्पॉन्स इफेक्टिव, तो कैसे रिस्पांस आप कर सकते हो, तो आप बोलेंगे एवरीबॉडी, अब जब रिस्पांस करते हो तब क्या करो, ट्राई कीप एंड काम, जब भी रहो तो कीप एंड काम रहो, स्टे कॉन्फिडेंट रहो, रिस्पॉन्ड करो लाइक दिस, जैसे काम रहो, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि बहुत अफंसी जाते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, नो टेक डीप ब्रीथ, स्टे काम, ओके, एंड कॉन्फिडेंट रहो, रिस्पॉन्ड करो दूसरों के ओपिनियन को, ओके। Then one question is going to ask from your facilitator, what are some example respectful responses someone criticize your decision? क्या ऐसे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आपको जो है
लाइक कोई आलोचना करता है, अब इसके क्या जवाब आप दे सकते हैं जो सम्मानजनक हो? तो आप बताओगे सर ये ठीक है एवरीबडी, देन यू आर गोइंग टू मे देन योर फैसिलिटी इज गोइंग टू मेक ग्रुप, आपको टॉपिक देंगे लाइक फर्स्ट टॉपिक होगा डिसीजन टू टेक जॉब योर बिलो क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी योग्यता से कम की नौकरी अगर आप ले रहे हो तो लोग वाले लोग क्या कहेंगे, ये भी होता है ना कि आपको बहुत आप बहुत बड़ी एमबीए कर लिए बट कोर्स घर पर क्या कर रहे हो, शॉप खोले हो तो लोग क्या बोलते हैं, है ना। डिसीजन टू मूव टू सिटी फॉर जॉब, कभी कभी होता है ना कि बोलते हैं हम जाएंगे सिटी पढ़ने तो लोग बोलते हैं कि ये जाएंगे बाहर पढ़ने, तो डिसीजन टू एनरोल इन यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कि आपका एडमिशन हुआ है और यूनिवर्सिटी में जो है, या किसी मैरिड टू समवन डिफरेंट रिलीजन कास्ट, अगर कभी कभी क्या होता है सब टॉपिक आपको दिया जाएगा, आपको प्रिपेयर करना होगा और इसमें एक लोग बनेंगे लोग क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। देन एवरीबडी टू मेकिंग डिसीजन नॉट एवरी वन अर्ग्यू इट्स कैन बी डिफिकल्ट, इट हेल्प्स पीपल सपोर्ट यू डिसीजन टू, कभी कभी निर्णय लेना जिनसे हर कोई सहमत हो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो निर्णय समर्थन करते हैं जो मददगार भी हो सकता है, ठीक है। तो वट कैन यू डू दे सपोर्ट इन मेकिंग देयर ओन डिसीजन, वे आपके निर्णय लेने में समर्थन के लिए क्या कर सकते हैं तो आपको बताना होगा, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू टॉक द फैसिलिटी इज गोइंग टू टॉक अबाउट फिलिंग इन यू नो द क्लास रूम, जो भी अपॉर्चुनिटी अगर कोई स्टूडेंट के लिए है तो बोलेंगे कि प्लीज़ फिल इट और जल्दी जल्दी एडमिशन हो जाए, ठीक है। सो दिस इज टू टॉपिक देयर, कि रिसर्च करना ऑनलाइन रिसर्च, गुड क्वेश्चन, एंड सेकेंड इज लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।